कसरावत से है, जहां सांसद महोदय एवं भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना की गई। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रुकने पर उनकी वापसी के बाद देश के प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। खरगोन बड़वानी जिले के सांसद गजेंद्र पटेल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नर्मदा नदी कसरावत मंडलेश्वर पुल पहुंचकर नर्मदा के दर्शन कर पूजा अर्चना की और प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना की। भाजपा के कार्यकर्ताओं में गहरा असंतोष व्याप्त है और पंजाब सरकार की बड़ी आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर गहरी नाराजगी जताई है। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कसरावत के वरिष्ठ भाजपा नेता राजेश जी बडोली की उपस्थिति में पूजा अर्चना का दौर संपन्न कर प्रधानमंत्री की दीर्घायु होने की कामना की गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरा रद्द कर सकुशल वापसी का कार्यकर्ताओं में हर्ष देखा गया। जी, आज नर्मदा तट पर जो आपके द्वारा धार्मिक आयोजन किया गया है, क्या आयोजन किया गया और किस उपलक्ष्य में किया गया? कल देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पंजाब प्रदेश में सभा को संबोधित करने गए थे। एक ऐसी घटना जो देश का एक जनसेवक होने के नाते, देश का नेतृत्व करने के नाते यशस्वी प्रधानमंत्री जी वहाँ पर जनता से संवाद करने के लिए गए थे, परंतु वहाँ पर पुल पर ट्रैफिक जाम किया गया, उनको सभा करने से रोका गया। वहाँ के शासन प्रशासन की इस प्रकार की घटना को देखकर पूरा मन व्यथित है, पूरे देश की जनता का भी मन व्यथित है कि देश के प्रधानमंत्री अपने लोगों से बात नहीं कर पाए और उन्हें बिना सभा करके लौटना पड़ा, अपनी जान को बचाना पड़ा। यह घटना से पूरी देश की जनता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समाज के सभी लोगों को बड़ा दुख भी है और कहीं ना कहीं उनकी जान भी बची। इसलिए मैंने आज सुबह से संकल्प किया कि मेरे लोकसभा के क्षेत्र में माँ नर्मदा जी की आरती करके, पूजा करके मेरे क्षेत्र की जनता से मैं आह्वान करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, वो जिस प्रकार से बच्चे, उनकी उम्र दीर्घायु हो, उनकी उम्र लंबी हो, स्वस्थ हो और वो सत्यायु भी हो, देश के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, उनके सभा को छोड़ जनता के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए उनका जीवन सुखमय रहे, उनकी दीर्घायु बनी रहे। इसलिए मैंने आज माँ नर्मदा जी की आरती करके, प्रार्थना करके, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधु उपस्थित भी हैं, मैंने माँ से आशीर्वाद मांगा कि देश के प्रधानमंत्री की उम्र लंबी रहे, स्वस्थ रहे और इस देश के लिए नाम करने के लिए वो काम कर रहे, उनका कदम सतत बढ़ता रहे। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र के समस्त कार्यकर्ता लोग, समाज के सभी समाज बंधु लोग, हमारे भाई बहन, हमारी माताएं आज से मकर संक्रांति तक इन 7 दिनों में अपने अपने गांव में, मंदिरों में पूजा अर्चना करें, हवन करें, प्रार्थना करें कि देश के प्रधानमंत्री जी की उम्र लंबी हो, सतायी हो, दीर्घायु हो, इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए पूजा अर्चना करें। और मैं चाहता हूं कि माँ नर्मदा जी का आशीर्वाद इस क्षेत्र पर है, माँ की आरती करते मेरे क्षेत्र के समस्त मेरे कार्यकर्ता बंधु, जिले के पदाधिकारी और मंडलों के आए, भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधु और समस्त जनता जो समाजों को लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, वो लगत मकर संक्रांति तक पूजा अर्चना करें, उनकी दुर्गायु की प्रार्थना करें। इसकी शुरुआत हमने आज से यहाँ करी है माँ नर्मदा जी के आशीर्वाद से। ये मैं समस्त जनता से भी और समस्त पार्टी के लोगों से मैं आह्वान करता हूँ और आग्रह करता हूँ, उनकी प्रार्थना करता हूँ। ऐसे आयोजन पूरे क्षेत्र में होंगे? बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता से उनका जुड़ाव सीधा है, इसलिए इस प्रकार की घटना जो घटी है वास्तव में उनकी जान बची है। इसलिए मैं चाहता हूं कि उनकी जान बची रहे, देश के लिए, देश के परम वैभव के लिए काम करते रहे, तो जनता पूरे रूप से इस प्रार्थना में शामिल होगी और इस प्रकार का आयोजन होगा।